हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भारत चौधरी और आज हम बात करने जा रहे हैं लाइफ इज स्ट्रेंथ बिफोर द फ्लड गेम के बारे में। यह गेम आज 20 दिसंबर को पूरी दुनिया के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स वन और PS4 के लिए रिलीज होने वाला है। तो आज हम इसी गेम के बारे में बात करेंगे क्योंकि यह गेम एक्शन एडवेंचर गेम है। तो आप ये वीडियो देखते रहिए। हाँ तो दोस्तों, लाइफ इज स्ट्रेंज बिफोर द फ्लड गेम को बनाया है स्क्वाड इनिक्स कंपनी ने और इसे पब्लिश किया है डेक माइंड गेम्स ने। और अगर इस गेम की रिलीज डेट की बात करें तो इसका आज एपिसोड 3 20 दिसंबर को पूरी दुनिया के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स वन और PS4 के लिए रिलीज होने वाला है। तो आप इसे तीनों ही प्लेटफॉर्म के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसकी एपिसोड 1 की बात करें तो इसका एपिसोड 1 31 अगस्त 2017 को पूरी दुनिया के लिए तीनों ही प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ था। और इसके एपिसोड 2 की बात करें तो इसका एपिसोड 2 16 अक्टूबर को तीनों ही प्लेटफॉर्म के लिए पूरी दुनिया के लिए रिलीज कर दिया गया था। उसके बाद एपिसोड 3 रिलीज होने वाला है। और अगर हम इस गेम की स्टोरी की बात करें तो इसकी गेम की स्टोरी एक एक्शन एडवेंचर स्टोरी पर है। स्कीम के अंदर हम एक 16 साल की लड़की का कैरेक्टर निभाते हैं जो उसके गाँव में फ्लड आने से पहले उसके बाद की घटना को उस गेम के अंदर दिखाया गया है। तो ये एक एक्शन एडवेंचर गेम है और यह है ग्राफिक एडवेंचर गेम है। इसकी ग्राफिक एडवेंचर गेम है क्योंकि इस गेम के कंपनी का है कि इस गेम के ग्राफिक बहुत ही दमदार है। और अगर हम इसकी विंडोज PC की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो यह गेम 32 बिट सिस्टम रिक्वायरमेंट नहीं चलेगा। इसको सिर्फ 64 बिट विंडो ही चाहिए। उसका i3 प्रोसेसर चाहिए जिसकी स्पीड होनी चाहिए 3.1 GHz। उसकी रैम की बात करें, इस गेम को चलाने के लिए 3 GB रैम चाहिए। उसके अंदर न्यूडिगा या एडम का ग्राफिक कार्ड जरूरी है। और अगर इसके अंदर हार्ड डिस्क की बात करें तो इसके अंदर आपको 14 GB की हार्ड डिस्क चाहिए। सो अगर हम एक्चुअल डाउनलोड साइज की बात करें तो इसके विंडोज PC के लिए एक्चुअल डाउनलोड साइज लगभग 7 से 8 GB तक होने वाली है। मतलब आप अपना जियो का 7 से 8 GB का डेटा खर्च करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और हम गेम की प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 480 रुपये से 1 रुपये कम, लगभग 480 रुपये ही मानिए, 480 रुपये होने वाली है। तो हम देखते हैं यह गेम कैसा निकल करता है। मैं आपको ये गेम रिकमेंड नहीं करता क्योंकि मैंने अभी तक ये गेम नहीं खरीदा, तो मैं आपको नहीं कह सकता कि ये गेम ज़्यादा अच्छा है या बुरा है। मगर आप इस गेम को खरीद सकते हैं और आपको गेम पसंद आता है, पसंद नहीं भी आता है, तो आप हमारे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमें बता सकते हैं क्योंकि मैं भी इस गेम खरीदना चाहता हूं। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि हम हर रोज आपके लिए इससे भी अच्छे वीडियो लेकर आते रहते हैं। एंड थैंक फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।